चीज़ें तो वैसे बहुत ज़्यादा मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई हैं, पर हम देखते हैं क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि बिक रहे हैं जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा आसमानों को छू रही है। और मेरी बेगम कह रही हैं कि मैं पाकिस्तान से उसको मैं कौड़ियों के काम ले लूं। बच्चे की जान लेंगे, प्यारी समझ गई। ये जी फनातीर मॉल की एंट्रेंस है, लेडीज अबाया जात। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये हम आ गए ऊपर जहाँ पर फूड कोर्ट बनाया हुआ है इन्होंने, और बच्चों के लिए जंपो लाइन। अबे साले प्योर वेजिटेरियन डाइट, ये भी डाइटिंग कर दी है क्या? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है वीडियो फ्राइडे की, और वीकेंड कल हमारा बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट हमने बहुत अच्छे अपने प्यारे दोस्त के पास दावत हमने अटेंड की। तो आज हम निकल रहे हैं कुछ जुबैला एक्सप्लोर करने। चीज़ें तो वैसे बहुत ज़्यादा मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई हैं, पर हम देखते हैं क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं। सिग्नल पे आप घंटों खड़े रहे। क्यों घंटों खड़े रहे? ऐसा ही लगता है मुझे, घंटों खड़े हुए हैं। जल्दी क्यों नहीं चलता सिग्नल? हम जी आ गए हैं गैलरी। हमने जाना तो फनातीर था, पर फनातीर ना जाने की वजह से जो है हम आ गए हैं ग्रिलो गैलरिया, क्योंकि वहाँ पार्किंग नहीं मिल रही थी। इर्द गिर्द आज बहुत ज़्यादा क्राउड है और बहुत ज़्यादा मतलब के ट्रैफिक है और पार्किंग नहीं मिली, तो लिहाजा हम आ गए हैं गैलरिया। ये जी सामने की तरफ देखें। नहीं पेंटिंग एग्जीबिशन हो रहा है, थिंक है ना अभी। पता नहीं क्यों मुझे है ना अभी कहने की आदत हो गई है। ना है ना, बात तो सही है। हैगा कि नहीं हैगा? नहीं है ना की आदत हो गई है, और कभी कभी मुझे बहुत बुरी लगती है ये बात। ना है ना, है ना। ये देखिए सामने बड़ी मजे की पेंटिंग एग्जीबिशन हो रहा है भाई साहब। अबे साले गैलरिया में जी ये पेंटिंग की एग्जीबिशन चल रही है। ये 50 रियाल की हैंडमेड पेंटिंग है, और ये हैंड क्राफ्टेड कुछ जो है शॉल वगैरह कुछ आएंगे जो कि बिक रहे हैं, जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा आसमानों को छू रही है। और मेरी बेगम कह रही हैं कि मैं पाकिस्तान से उसको मैं कौड़ियों के काम ले लूं। ये जी आइलैंड की हैंडमेड पेंटिंग है, अच्छी लग रही है ये। इधर तो मेरी नज़र ही नहीं गई, और ये बहुत प्यारा और खूबसूरत आइलैंड बनाया हुआ है इन्होंने। ये वाली जी पेंटिंग हमें बहुत खूबसूरत लगी। जब हमने बनाने वाले से पूछा तो उसने कहा कि अभी काम बाकी है, पर अगर आपको ये चाहिए तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो मैंने कहा कितने की? कह रही हैं 3000, और इसकी 2500। बाकी उन्होंने ये भी बोला कि अगर आपकी कोई और पिक्चर है तो हम आपके लिए बना सकते हैं, जो कि आपको लूटने के बाद बच्चे की जान लेंगे। प्यारी समझ गई। कैलीग्राफी में लकड़ी के ऊपर आपको लिख के दे रहे हैं। What is the price? 50 riyals. This one? Like small this one? One. Small. This one? Yes. And big one? This one? This size? It's up to size and what you need. The right size. Same like this one, 80 riyals. 80 riyals. Yeah. Okay. 150. Big one? For example, yeah. Oh. Thank you. पेट्रोकेमिकल की तरफ से डायबिटीज के हवाले से कुछ कियोस्क लगाया हुआ है, फ्री मेडिकल चेकअप। ये जी वो मनाजर हैं पेंटिंग के और एडवांस पेट्रोकेमिकल की तरफ से डायबिटिक सेंटर के। काम चेक करें हबी के, शॉपर की हमेशा ऐसे ही धुलाई लग रही होती है। आई आई भी तो करे आई।
मैं बता रही थी कि हमेशा शॉपर की ऐसी धुलाई लग रही होती है, वो गलती से इनके हाथ में जब आ जाए। अभी की आज की ड्रेसिंग तो चेक करें। हम जी गाड़ी अपनी गैलरिया में पार्क करके अब आ गए हैं फनातीर मॉल। फनातीर मॉल जो कि काफ़ी अरसे के बाद खुला है रिनोवेशन होने के बाद। ये जी फनातीर मॉल की एंट्रेंस है। पहले यहाँ इस तरफ सारी पार्किंग होती थी, इस तरफ भी सारी पार्किंग होती थी, अभी राउंड अबाउट बना दिया है और ये इसकी जो है मेन एंट्रेंस है। गेट नंबर 1 जो कि एक ही गेट है, अब आगे चल के देखते हैं कि कोई और भी गेट इन्होंने बनाया कि नहीं बनाया। ये इसकी एंट्रेंस है। काफ़ी सारी अभी चीज़ें खुली नहीं हैं, अभी ओपनिंग सून है। ये जी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इस दफ़ा रिनोवेट किया है और काफ़ी सारी चीज़ें जो है अभी खुली भी नहीं है। हाँ, ज्वेलरी की शॉप बहुत बड़ी है क्योंकि अच्छा है, अभी खुली भी नहीं है। अबर जी ये सारी ज्वेलरी की शॉप्स हैं लेफ्ट राइट, और ये हेम्स गैलेरिया के अंदर एक छोटी सी शॉप है, बट यहाँ बड़ी शॉप है और ये भी सारी ज्वेलरी की शॉप है। हम यहाँ से हम एस्केलेटर से ऊपर जाते हैं, ऊपर देखते हैं क्या सीन है। बहुत अच्छे लगाए इन्होंने। फ्लोर है जहाँ पर सिर्फ अभी फ़िलहाल अबायाज की शॉप खुली हुई हैं, लेडीज़ अबाया जात। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये हम आ गए ऊपर जहाँ पर फूड कोर्ट बनाया हुआ इन्होंने और बच्चों के लिए जंपो लाइन। एक जंपो लाइन के नाम से एक बच्चों का प्लेलैंड है जहाँ पर ये बच्चों की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं। गया बट जो है चीज़ें अभी तक ओपनिंग नहीं हुई, ज़्यादातर ज्वेलरी है, गोल्ड ज्वेलरीज की शॉप्स बेतहाशा हैं। ये आज रश बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, जैसे अमूमन होता है यहाँ पे, है ना? सिर्फ मैकडॉनल्ड्स के ऊपर एक लाइन लगी हुई थी ज़्यादा, अदरवाइज बाकी आप देखें खाली पड़ी हैं चेयर्स। नहीं, हम सेकेंड टाइम आए यहाँ पे, इससे पहले भी ऐसे ही कुछ हाल था और हमने एज यूजुअल अपना अपना फेवरेट लिया है। क्या बना? सिग्नेचर मैकडॉनल्ड्स का सिग्नेचर बर्गर। कौन सा वाला? मशरूम बीफ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अबे साले ये क्या हो रहा है? मशरूम डालना तो नहीं भूल गए? ऐसा लग रहा है कंजूसी से दिया उन्होंने। बहुत ज़्यादा वो जो हमने मशीन से हमने ऑर्डर दिया था वो कैंसिल कर दिया उन्होंने। फिर ये क्या दिया उन्होंने? आप अलग से दोबारा ऑर्डर दिया, फिर अलग से इंतज़ार किया उसका। तो इसके अंदर मुझे मशरूम तो नज़र नहीं आ रहे हैं, गिर गए साइड। अच्छा, खा के जी हम फ्री हो गए थे, अब आए हैं हम लुलू। लुलू में कुछ ख़रीदारी करनी है और उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे। इस आइसक्रीम पर एक मैंने वीडियो बनाई थी और वहाँ पर ये 18 रियल की है, यहाँ 15 रियल की है। पीच भी है इसमें, यहाँ पीच भी है और मैंगो भी है। हाँ, ये अंडे ले रहा हूँ, इस पर लिखा हुआ है प्योर वेजिटेरियन डाइट। हाँ, ये भी डाइटिंग करती है क्या? हाँ, हाँ। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं प्योर वेजिटेरियन डाइट। तो दोस्तों हम लोग लुलू से फ्री हो गए थे, गैलरिया में ही लुलू है तो उधर से हमने ख़रीदारी की कुछ घर के लिए, तो हमने वहाँ से ख़रीदी है पीच। इसका द बॉक्स कितना प्रिटी है।
ये है पीच टेस्ट आइसक्रीम। अब इसकी मैं उद्घाटन करूंगा ना, उफ अल्लाह खाओ भाई, निकले यहाँ से अब। अभी वीडियो बन रहा है, अभी खाओ भाई निकले यहाँ से। खोल के दिखा दे, और पीच जैसी होगी, होगी तो पीच जैसी। और मुझे पूरा यकीन है जैसे मैंगो ने हमें सरप्राइज किया था अपने अच्छे से टेस्ट से, पीच भी वैसा ही करने वाला है कुछ। हाँ इंशाल्लाह। आबरा कटाबरा यार। अभी ये जो डब्बा है ना नीचे वाला, ये बड़ा अजीब लग रहा है, ग्रीन दिखाएं शेप। टू 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 टू, ये वाली म्यूजिक भी साथ में। ये निकल, हाँ आराम से निकाल ले। नहीं नहीं पड़ा रहना इसके इसी में। उफ वो थोड़ा घुमा, आराम से दिखाएंगे आप। इतना तेज तेज दिखाते हैं कि हमारे व्यूवर्स देख नहीं पा रहे होंगे प्रॉपर पीछे। वाह क्या बात है, मुझे तो 8 क्लास की पेंटिंग याद आ गई अपनी। ओरिजिनल लग रहा है। मैंगो भी सेम ऐसे ही था ओरिजिनल, बस फ्लेवर अच्छा हो। कमाल है, कमाल है, मैंगो की तरह ही कमाल है वो, उससे भी सुपर है। अच्छा सुपर, सुपर से भी ऊपर। वाह भाई वाह, मजा आ गया। अच्छा ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फ्रेश हमें वहाँ से मिली थी, ये उतनी फ्रेश नहीं है शायद। देखें ये जो, ये क्या है ये? हाँ ये ऊपर इसकी लेयर है ना। अच्छा मुझे लगा कि जैसे मैंगो फ्रेश मिली थी वहाँ से, ये उतनी फ्रेश नहीं है। वाह। तो दोस्तों सारे कामों से फ्री होकर जस्ट अभी हम घर पहुंचे हैं, तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रुको जरा, सबर करो, अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा, भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।